आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही मौसमी चटर्जी बॉलीवुड के साथ ही बांग्ला फिल्मों का बड़ा नाम रही हैं। मौसमी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और कहते हैं यही उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई थी। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है। बंगाली फिल्म के डायरेक्टर तरुण मजूमदार से उनका नाम बदलकर मौसमी कर दिया गया था। मौसमी के पिता आर्मी में थे, वह कोलकाता में बस गए। मौसमी चटर्जी के घर के आसपास कई फिल्म स्टूडियो थे, यहीं से उनके मन में एक्ट्रेस बनने की ठानी। हालांकि उन्होंने ये बात अपने घर पर नहीं बताई थी। मौसमी के घर वाले उनके फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं थे। मौसमी चटर्जी जब 10वीं में पढ़ती थी तभी उनकी शादी प्रोड्यूसर जयंतो मुखर्जी से हो गई थी। मौसमी जब 18 साल की थी तब वे माँ बन गई थी। उनकी मेघा और पायल नाम की दो बेटियाँ हैं। साल 1972 में उन्होंने फिल्म अनुराग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी 70 के दशक में बेहद पॉपुलर रही थी। एक्ट्रेस होने के साथ साथ वह बीजेपी की नेता भी हैं। मौसमी को उनके बेहतरीन फिल्मों अंगूर, अनुराग, दो प्रेमी, प्यासा और स्वयंवर आदि के लिए आज भी याद किया जाता है। मौसमी चटर्जी की जोड़ी भी अपने समय के सभी बड़े और हिट स्टार्स के साथ रही है, जिनमें राजेश खन्ना से लेकर शशि कपूर और जितेंद्र से लेकर संजीव कुमार और विनोद मेहरा जैसे स्टार्स शामिल थे। मौसमी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी उम्दा कलाकार थी कि इमोशनल सीन्स के दौरान बिना ग्लिसरीन लगाए रो लेती थी। मौसमी ने इसका राज जाहिर करते हुए बताया था कि वो इमोशनल सीन में खुद को इस कदर डुबो लेती थी कि आंखों से आंसू अपने आप आ जाते थे। बहरहाल आपको बता दें कि मौसमी की शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो गई थी। आपको बता दें कि मौसमी की लाइफ का सबसे ट्रेजिक मोमेंट तब आया जब 2019 में लंबी बीमारी के चलते उनकी बेटी पायल का निधन हो गया था। कहते हैं कि पायल को डायबिटीज की गंभीर समस्या थी। बेटी की मौत के गम ने मौसमी को गम में डुबो दिया था। मौसमी चटर्जी के दामाद डिक्की सिन्हा ने बताया कि मौसमी ने बेटी की मृत्यु के बाद उसका चेहरा भी नहीं देखा था। डिक्की ने कहा कि पायल बीमार थी और डॉक्टरों ने हमें उसकी गंभीर हालात के बारे में भी बताया था, लेकिन इस दौरान मौसमी कभी भी अपनी बेटी को देखने अस्पताल नहीं आई। फिलहाल मौसमी इस बात पर सफाई देते हुए नजर भी आई थी। अब आपको बता दें कि मौसमी अब फिल्मी जगत से काफी दूर हो चुकी है और अपने परिवार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केकेडी न्यूज। तेरा साथ है तो मुझे क्या।